दोस्तों, हम रोज़ाना रास्ते में चलते समय कई अजीब चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने अपनी यात्रा के दौरान बहुत से पेड़ देखे होंगे जिन पर लाल, पीला, सफ़ेद रंग पुते हुए होते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका प्रमुख कारण होता है पेड़ों के ऊपर पेंट करके इनमें आए दरारों को भरा जाता है, जिससे पेड़ों की लाइफ बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेड़ों में कीड़े मकोड़े तने में अपना घर बना लेते हैं, इससे पेड़ के तने टूटने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और इन कीड़ों को लगने से रोकने के लिए इन पर पेंट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर, यदि किसी पेड़ का कोई तना टूटने वाला हो तो उस तने पर रंग करने से कर दिया जाता है। इस प्रकार से पेड़ के तने को हाईलाइट करके दिखाया जाता है, ताकि उसका ख्याल आगे रखा जा सके और कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सके। नए पेड़ों को लगाने से ज़्यादा कीमती पुराने पेड़ों का जीवन बचाना होता है, इसलिए पेंट कर पुराने पेड़ों को के जीवन को बचाया जाता है। आपने देश में पेड़ों पर पेंट करने का कार्य वन विभाग ही करता है, फिर चाहे पेड़ वन के हो या शहरी इलाके में। इस कार्य के लिए वन विभाग क्षेत्रवार अपनी टीम बना लेती है और वह टीम इन पेड़ों पर पेंट करने का कार्य करती है। पेड़ों पर पेंट करने से जहाँ पेड़ों की आयु बढ़ती है, वहीं पेड़ों को काटे जाने से भी होती है, क्योंकि दोस्तों, पेंट किए हुए पेड़ इस बात की निशानी होते हैं कि यह पेड़ वन विभाग की सुरक्षा के अधीन आते हैं। दोस्त आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।